नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के एक नए टॉपिक इरिकॉट डिजीज और बाजरा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। सबसे पहले इरिकॉट डिजीज और बाजरा को 1956 में साउथ इंडिया के सतारा, महाराष्ट्र स्टेट के सतारा रीजन से आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद से कई सारे रिपोर्ट्स आए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जहाँ जहाँ ये बाजरा उगाया जाता है वहाँ पर यह डिजीज पाई जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है अर्ली स्टेज का सिम्टम। पहले चित्र में आप देखिए, दिस इज अर्ली स्टेज, ये दो स्टेज में पाई जाती है ये बीमारी, एंड दिस इज लेट स्टेज। इनके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के। सबसे पहले ये डिजीज जो होती है फ्लावरिंग टाइम सबसे पहले दिखाई देती है, एंड विजिबल इन हेड, जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट होता है जहां पर बालियां बनती हैं बाजरे की, इन्फ्लोरेसेंस पूरा कॉम बनता है जहां पर, वहां पर ये दिखाई देती है। और ये डिजीज दो स्टेजेस में पाई जाती है। पहले ये हनी ड्यू स्टेज, हनी मतलब शहद की तरह, ओस की बूंदे जैसे होती है, तरह शहद की बूंदों की जैसे ये डिजीज दिखाई देती है सबसे पहले। दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली पहचान यही है, जिसमें कि एक विस्कस क्रीमी पिंक हनी कलर्ड ड्यू, ये एक्सुडेट के फॉर्म में दिखाई देता है। जो फ्लावरिंग हेड्स होते हैं, जो कॉम होता है, यहाँ से ये निकलते दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जैसा लगता है कि बालियों में कहीं कहीं पर दाने से शहद के बूंदे बाहर निकल रही हैं, इस तरह से दिखाई देता है ये। जो सेकंड स्टेज है, दैट इज स्क्लेरोशिया या इरिकॉट स्टेज भी कहते हैं इसको, ये थोड़ा लेट का स्टेज होता है। इसमें जो हनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं और एक दूसरे में कोलेस मतलब होता है कंबाइंड हो जाते हैं, जो पास पास की बूंदे होती हैं वो आपस में एक जगह एग्रीगेट हो जाती हैं, और ये कॉब का जो बालियां होती हैं उनका ज्यादा एरिया कवर करती हैं। और बहुत ही एडवांस स्टेज में क्या होता है, स्मॉल डार्क ब्राउन स्क्लेरोशिया, बाद के स्टेज में इसमें स्क्लेरोशिया बनते हैं, वो स्क्लेरोशिया यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई देती है दानों के बीच में से। स्क्लेरोशिया कैन बी सीन प्रोजेक्टिव फॉर्म बिटवीन द ग्लोम्स, जो उसके दाने हैं उसके बीच बीच से काले रंग के, वेरी डार्क ब्राउन कलर के। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये सामान्य दाने तो लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, और जो डार्क स्क्लेरोशिया है ये दानों से बाहर निकली हुई दिखाई देती है, इस तरह से बालियां खराब हो जाती हैं। और ये होता क्यों है, जो ओवरी पार्ट होता है फ्लावर का उसको इन्फेक्ट करती है सबसे पहले ये, और जो माइसीलियम होता है वो वहीं पे एग्रीगेट होता है और स्क्लेरोशिया बनाता है। इस स्क्लेरोशिया की जो लंबाई होती है 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर लंबी तक हो सकती है, और ये बहुत ही हार्ड और वुडी होते हैं क्योंकि इसमें जो फंगल माइसीलियम होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पर्ल मिलेट ऑफ इरिकॉट फंगस उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1853 में, और उसका नाम बताया गया था क्रेंट्रोस्पोरियम माइकोसिफेलम। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया क्लेविसेप्स में, और इसको किया था टोलासने ने, एंड हु नेम्ड इट क्लेविसेप्स माइकोसिफेला, उसको उन्होंने इसका नाम दिया क्लेविसेप्स माइकोसिफेला। बाद के स्टेजेस में क्लेविसेप्स फ्यूजी फॉर्मिस इसका रीनेम कर दिया गया ये लवलेस के द्वारा। दिस इज द सिस्टमेटिक पोजिशन, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्को माइकोटिना, क्लास सॉडेरियोमाइसिटीज, ऑर्डर हाइपोक्रियस, फैमिली क्लेविसिपिटेसी, जीनस क्लेविसेप्स, स्पीशीज फ्यूजीफॉर्मिस। ये फंगस जो होता है सबसे पहले ओवरी को अटैक करता है फ्लावर के, एंड गोस प्रोफ्यूजली प्रोड्यूसिंग मास ऑफ हिज हाइफी, बहुत ही घना डेंस एक मास बनाता है हाइफी का, और इसकी वजह से जो ओवरी होती है वो पूरी भर जाती है माइसीलियम से। दिस हाइफी प्रोड्यूसेस फर्स्टली स्मॉल कुनिडियोफोर्स, सबसे पहले ये कुनिडियोफोर्स बनाती है जिसमें कुनिडिया बनते हैं, चेन ऑफ कुनिडिया बनती है, और ये इज द हनी ड्यू स्टेज, और ये सब होता है हनी ड्यू स्टेज में। इसके बाद हनी ड्यू प्रोड्यूस ऑन द ईयर इज फुल ऑफ कुनिडिया, ये जो कुनिडिया बनती है इसी हनी ड्यू में भरी हुई होती है एक तरह से। इन द इनिशियल स्टेज द माइक्रो मैक्रोकुनिडिया आर फॉर्म, शुरू शुरू में मैक्रोकुनिडिया बनती हैं एंड बाद में माइक्रोकुनिडिया बनती हैं। जैसा कि नाम से पता है मैक्रोकुनिडिया जो होती है वो साइज में बड़ी होती है, जो माइक्रोकुनिडिया होती है वो आकार में छोटी होती है, उसको हम अभी आगे देखते हैं। इसको यहाँ पर देखते हैं मैक्रोकुनिडिया और माइक्रोकुनिडिया कैसी होती हैं। जो मैक्रोकुनिडिया होती है दीज आर हाइलाइन फ्यूजी फॉर्म एंड बॉडी फैलकेट एंड यूनिसेलुलर, जिसका साइज होता है लंबाई और चौड़ाई का डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पर 165 मल्टीप्लाई बाई 3.5 माइक्रोन। एंड माइक्रोकुनिडिया जो होती है वो भी ग्लोबुलर होती है, हाइलाइन होती है, यूनिसेलुलर होती है, और इसका जो आकार होता है, साइज होता है 5.9
2.5 माइक्रॉन्स होता है, लंबाई और चौड़ाई की डायमेंशन दी हुई है यहाँ पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो माइक्रोमीडिया होती है वो जर्मिनेट होती है, एक से लेकर 3 पोलर या लैटरल जंप ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होती है, और इस तरह से एक तरह से बडिंग माइक्रोकोंड्रिया जो सेकेंडरी कोंड्रिया होती है वो बनाती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, दिस आर माइक्रोकोंड्रिया, ये है माइक्रोकोंड्रिया एंड दिस इज स्मॉलर माइक्रोकोंड्रिया। ये माइक्रोकोंड्रिया जो आकार में ये वाली थी इस तरह से लंबी थी, वो थोड़ी बड़ी थी, ये जर्मिनेट होती है, इसमें सिंगल जंपो से जर्मिनेट होती है, इसमें 3 से हो रही है, और ये माइक्रोकोंड्रिया जर्मिनेट होकर ये छोटे छोटे सेकेंडरी माइक्रोकोंड्रिया जो आकार में छोटी होती हैं चेन ऑफ माइक्रोकोंड्रिया बनाती हैं। ये जो जर्म ट्यूब्स होते हैं दे कोड टू सेकेंडरी माइक्रो एंड माइक्रोकोंड्रिया, और ये माइक्रो जो है सेप्टेशन से बीच में सेप्टा बन जाता है जो जर्म ट्यूब में, और उसकी वजह से वो छोटे छोटे माइक्रोकोंड्रिया में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, और ये बार बार रिपीटेड डिवीजन से रिपीटेड बडिंग से ये टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कोंड्रिया भी बनाती हैं। जो माइक्रोकोंड्रिया बनती हैं दीज आर इन चेन्स, ये चेन में होती हैं। उसके बाद आता है स्क्लेरोशिया स्टेज, ये बाद का स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज हनीड्यू स्टेज जिसमें कोंड्रिया बनती हैं, एंड स्क्लेरोशियल स्टेज लेटर स्टेज बाद का स्टेज है इसमें स्क्लेरोशिया बनती है। और ये कैसे बनती है, मासेस ऑफ हाइफी जो फिल जो ओवरी में भरी हुई थी दे बिकम हार्ड एंड फॉर्म स्क्लेरोशिया, यही माइसीलियम का जो पैक था ओवरी में भरा हुआ था वो आगे स्क्लेरोशिया बनाता है। इसकी संरचना बहुत विशेष होती है, वो क्या होती है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। स्क्लेरोशिया होती है इलोंगेटेड, लंबाई में होती है, लंबी होती है, और साइज में 1.8 to 3.6 mm लंबी होती है, और चूंकि जो सामान्य दाने हैं बाजरे की उसके साइज में बड़ी है उससे, इसलिए दे प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द ईयर, बालियों से बाहर निकली हुई दिखाई देती है। कलर इसका लाइट टू डार्क ब्राउन होता है, और दिस कैविटीज फिल्ड विथ कोनिडिया, इसकी जो कैविटीज होती है कोनिडिया से भरी हुई होती है। ये स्क्लेरोशिया बाद में जर्मिनेट होती है जब सॉइल में होती है गिरने के बाद, और ये प्रोड्यूस करती है 1 to 16 फ्लैशी पर्पलेज 6 to 26 mm लॉन्ग स्टाइप्स। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, दिस इज ये बाली है, एक सिंगल बाली है, इसमें ये दानों से बाहर निकली हुई, बालियों से बाहर निकली हुई, दीज आर स्क्लेरोशिया इलांगेटेड, दिस इज अ सिंगल स्क्लेरोशिया, और ये जब जर्मिनेट हो रही है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह से जर्मिनेट हो रही है, तो ये इलांगेटेड स्टाइप बनाती हैं और ऊपर की तरफ स्ट्रोमा बनाती हैं। इसको देख सकते हैं, जो स्ट्राइप्स होती हैं उनके ऊपर पेरिफेरल से स्ट्रोमा लगे हुए होते हैं जिसको कैपिटुलम भी कहते हैं, और ये होता है टिप पे, और इस कैपिटुलम में न्यूमरस पायरी फॉर्म पेरिफेरिया प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम आकार में पेरिफेरिया सुराही नुमा होती हैं, पायरी फॉर्म होती हैं, और एक तरह से सेमी सर्कुलर मैलर। अगर हम इसका ऊपर का हिस्सा स्ट्रोमा को एलएस काट के देखते हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारी कैविटीज हैं, दीज आर पेरिफेरियम embedded in the surface of stroma, या कैपिटुलम के टिश्यू में ये embedded होती है, और एक एक जो पेरिफेरियम है वो आकार में इस तरह से दिखाई देती है, पायरीफॉर्म दिखाई देती है। इसका जो अंदर का हिस्सा है यहाँ पर एस्कस और एसआई भरे होते हैं, उसको हम आगे दिखाते हैं आपको। जो पेरिफेरिया है ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट फंगस की फूडिंग बॉडी को, और इसके अंदर बहुत सारे एसआई बनते हैं, एस्कस का प्लूरल फॉर्म है एसआई, उसमें बहुत सारे लॉन्ग सिलिंड्रिकल एसआई बनते हैं, और जो पेरिफेरियम के अंदर जो कैविटी होती है पेरिफेरिया की उसके अंदर अरेंज होते हैं लीनियरली, जैसे ये है पेरिफेरिया की कैविटी, इसके अंदर दिस इज बहुत सारे एसआई यहाँ पर इमीडिएट दिखाई देते हैं, दिस इज अ सिंगल एस्कस, ये सिंगल एस्कस है, और प्लूरल फॉर्म में अगर कहें तो इसको एसआई कहते हैं। प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कस स्पोर पाए जाते हैं, क्योंकि एस्कस भी लॉन्गेटेड है, और यहाँ पर एस्कस स्पोर होते हैं वो संख्या में 8 बनते हैं और लंबे होते हैं, लॉन्ग फिलीफॉर्म हाइलाइन एसेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये विशेषता होती है एस्कस स्पोर की। ये एस्कस स्पोर जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी कोनिडिया बनाते हैं। ये सब कुछ स्क्लेरोशियल स्टेज में था। अब देखते हैं डिजीज साइकिल कैसी होती है। डिजीज साइकिल जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है पेरिनेशन, कि ये जो फंजाई है जो बीच का अनफेवरेबल कंडीशन था, जब फील्ड में बाजरे के खेत नहीं थे, बाजरे का पौधा नहीं था, तब ये कहाँ था, वो कहाँ पेरिनेट कर रहा था,
तो जो स्क्लेरोशिया है ये इसका पेरिनेटिंग बॉडी है, यही फूटिंग बॉडी है। स्क्लेरोशिया हेल्प पैथोजन पेरिनेट फ्रॉम सीजन टू सीजन, जो अनफेवरेबल सीजन को विदस्टैंड करने के लिए जो पेरिनेटिंग बॉडीज बनती हैं वो स्क्लेरोशिया होती है। एरगॉट ऑफ बाजा में दे रिमेनिंग सॉइल, सॉइल पड़ी रहती है प्लांट डेब्रिस के साथ, प्लांट के जो अवशेष होते हैं मिट्टी में उसके साथ पड़ी रहती है। और जब अगला सीजन आता है, फेवरेबल सीजन आता है नेक्स्ट सीजन में, तब ये जर्मिनेशन का स्टार्ट हो जाता है और पेरिथीसिया बनती है, वहां पर एस्कस बनेंगे, उसमें स्कोस्पोर्स बनेंगे, और ये जो इसके स्पोर्स होते हैं यही प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। द फंगस इन्फेक्ट्स वेरियस कोलेटरल होस्ट, दूसरे बहुत सारे कोलेटरल होस्ट भी होते हैं, जिस समय की अगर बालियां में नहीं है, बाजरे का पौधा नहीं है, तो दूसरे होस्ट भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि पेनिसेटम, सेंक्रस, सिलियरिस, ये सभी ग्रास फैमिली के हैं, एंड सेंक्रस सेजिगेरस, और उसमें भी ये एरगॉट बनाते हैं। इस तरह से ये बार बार अनफेवरेबल सीजन भी विदस्टैंड कर जाते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं और कोलेटरल होस्ट पर। अब है प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ से आता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन इज बाय स्क्लेरोशिया सॉइल, जो सॉइल में स्क्लेरोशिया पड़ी होती है उसी से ही प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। ये स्क्लेरोशिया जर्मिनेट होती है, स्टाइप बनाती है, उसके स्टाइप बनाने के बाद ऊपर आपने देखा था पेरिथीसियल हेड था, उसमें बहुत सारे पेरिथीसिया बनते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं, जो उसके अंदर एस्कस बनते हैं, उस एस्कस के अंदर 8 फिलीफॉर्म लॉन्ग लॉन्ग एस्कोस्पोर्स बनते हैं, दीज एस्कोस्पोर्स डिसेमिनेट, ये हवा के साथ उड़ते हैं, और ये स्पाइक पे जब वो जो बालियां थी बाजरे की, जो वो फ्लावरिंग स्टेज था, सीड वहां पर प्रेजेंट नहीं था, सीड बनने से ठीक पहले जो फ्लावर था उसकी ओवरी पे गिरते हैं और दे कंटेमिनेट द ओवरी, और ये सब होता है अंडर सुटेबल कंडीशंस, जो एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट और ओवरी में एंटर कर जाते हैं ये, और यहाँ से उसमें भर जाते हैं, उसका माइसिलियम फैल हो जाता है, एंड दिस इज द प्राइमरी इन्फेक्शन। ये जो हाइफी था ये ओवरी इसको भर जाते हैं, मैच्योर हो जाती है, एंड मैच्योर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कोनिडियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। कोनिडियल स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर हनी ड्यू स्टेज होता है, हनी ड्यू स्टेज स्टार्ट होती है, वहां पर कुंडलियां बनती है, और वो हमें दिखाई देती है जब बहुत सारे कुंडलिया फोर्स जिसके ऊपर चेन ऑफ कुंडलियां लगी होती है वो हमें दिखाई देती है। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे आता है, तो जब एक बार इन्फेक्ट हो गया प्लांट, उसकी ओवरी में फाइल माइसिलियम भर गया, वहां पर हनीडियो चीज आ गई, वहां कोनिडिया बार बार बन रही है, तो दिस कोनिडिया डिसेमिनेट एंड कॉजेस सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये जो कोनिडिया है यही सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कोनिडिया इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। और ये हनीडियो जो बन रहा था प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद, उसमें ये पड़े रहते हैं, और ये इंसेक्ट्स के द्वारा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उससे और उनसे वो फैलते हैं। द कोनिडिया जर्मिनेट देयर एंड कॉजेस सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो था दैट इज इंसेक्ट बॉर्न, जबकि प्राइमरी इन्फेक्शन इज द सॉइल बॉर्न। आफ्टर सम टाइम द हाइफल मासेस फिलिंग द ओवरी हार्डन्स, बाद में जो हाइफी जो था ओवरी में जो इन्फेक्शन था, माइसिलियम भरे हुए थे, तो हार्ड हो जाते हैं एंड स्क्लेरोशिया बनाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस डिजीज को फैलने में हेल्प करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर हाई है, मॉइस्चर ज्यादा है खेत में उसके या उसके अराउंड आसपास मॉइस्चर ज्यादा है, तो ये डिजीज की सीवियरिटी को बढ़ाता है, डिजीज बहुत सीवियर होता है, उसकी वजह ये है कोनिडिया जो वो स्प्रेड होते हैं और बहुत तेजी से ये फैलता है। इस रोग के कारण कितना डैमेज होगा, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड टाइम ऑफ ईयर फॉर्मेशन, उसका मौसम कहाँ कैसा है और ईयर फॉर्मेशन लेट हो रहा है या अर्ली हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि डिजीज कितना सीवियर होगा। दिस इज अ डिजीज साइकिल, ये डिजीज साइकिल का है चित्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द पैनिकल विथ फ्रेश स्टिग्मा, इन्फेक्शन यहाँ प्रेजेंट नहीं है अगर, तो इन्फेक्शन आती कहाँ से है, दिस आर एस्कोस्पोर्स, डिजीज स्टार्ट होता है यहाँ से, दिस इज स्क्लेरोशिया जो कि सॉइल में पड़ी हुई हुई, ये जर्मिनेट होगा, स्क्लेरोशिया जर्मिनेट होगा, यहाँ पे स्ट्रोमा बनाएगा टेप्स पे, और इस स्ट्रोमा में पेरिफिसल हेड्स प्रेजेंट होंगे जिसमें पेरिफॉर्म पेरिफिसिया प्रेजेंट होगी, दिस इज द एलएस ऑफ स्ट्रोमा शोइंग पेरिफिसियल अरेंजमेंट्स, बहुत सारे पेरिफिसिया प्रेजेंट होगी। इस पेरिफिसिया में एसआई एनएसओस्पोर्स बनेंगे, एसआई बनेगा मतलब सिंगल सिंगुलर बोलूं तो एस्कस बनेगा, उस एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे जो लंबे होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, दिस इज एस्कोस्पोर, इसके अंदर ये फिलामेंट फॉर्म एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, ये डिसेमिनेट होते हैं
और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब ईयर में फ्लावरिंग हो रही होती है सीड से ठीक पहले, उस समय ये फ्लावर पे आते हैं और उसकी ओवरी को मैनिफेस्ट करते हैं। ओवरी में ये फ्लावर मैसिलियम जर्मिनेट होने के बाद भर जाते हैं। एंड दिस इज कोलोनाइजेशन ऑफ स्टिग्मा बाय द फंगस। जो स्टिग्मा थी, ओवरी थी फ्लावर की, वहां पर फंगस भर जाता है और हनी ड्यू स्टेज आता है। उस फर्स्ट स्टेज हनी ड्यू स्टेज। हनी ड्यू स्टेज में बार बार कुनिडिया बनती है, मैक्रो कुनिडिया और मैक्रो कुनिडिया। तो जिस तरह से ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये पूरी साइकिल सेकेंडरी इन्फेक्शन की है, जबकि ये जो अल्टरनेट साइकिल है, दिस इज प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सॉयल। और बात ये पहला स्टेज था हनी ड्यू स्टेज, एंड दूसरा स्टेज स्क्लेरोशिया स्टेज, जिसमें कि स्क्लेरोशिया बनती है और यही स्क्लेरोशिया सॉयल में जाती है और आगे नए प्लांट को इन्फेक्ट करती है अगले सीजन में, जब इसको स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद बनते हैं। कभी कभी आपने बीच में भी पढ़ा था कि वहां पर जो कोलेटरल होस्ट होते हैं, जो स्क्लेरोशिया होती है, वो एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कस होते हैं, वो कोलेटरल होस्ट पे सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को, और वहां ये कुंडिया बनाते हैं। और जब सीजन फेवरेबल होता है, जो होस्ट प्लांट अवेलेबल हो जाता है इसके लिए बाजरे का, तब ये होस्ट प्लांट को, बाजरे के प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ विशेषता होती है एर्गोट प्लांट की। द स्क्लेरोशिया, वो क्या होती है, जो स्क्लेरोशिया होती है, दैट कंटेन इर्गोटॉक्सिन। और ये जो इर्गोटॉक्सिन है, अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन या फिर एनिमल्स, तो इट इज पॉइजनस एंड टॉक्सिक टू लाइफ। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, लेकिन ये बहुत ही प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में लेना होता है, और इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी मेडिसिन। इर्गोट रिड्यूसेस यील्ड ग्रेन, क्योंकि इर्गोट जो है ऐसी डिजीज है जो ग्रेन को रिप्लेस कर देती है, तो जो ग्रेन के यील्ड होती है, पैदावार होती है, वो तो कम हो जाती है। और अगर ऐसी इन्फेक्टेड बालियों को जानवर खा लेते हैं, तो वो बहुत ही हजार्डस होता है। लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज को कैसे मैनेज किया जाए, उसका पहला तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का प्रैक्टिस होती है कि एक बार एक सीजन में पहली फसल लगाई जाए, दूसरे सीजन में दूसरी फसल लगाई जाए। उससे क्या होता है, जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, इनोकुलम होता है, जैसे इससे बाजरे के इसमें स्क्लेरोशिया है, दैट बिकम अनअवेलेबल। इसको प्रॉपर होस्ट ना मिलने की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाता। दूसरा तरीका है सीड ट्रीटमेंट। सीड को 20 से 30% सॉल्ट सोल्यूशन में भिगा के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्लोशिया होती है वो हल्की होने की वजह से फ्लोट करती है, पानी के ऊपर आ जाती है, उसको हैंड पिक करके फेंक दिया जाता है, और नीचे जो सेटल्ड है सीड, हेल्दी सीड्स हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज रिपीटेड प्लाइंग। रिपीटेड प्लाउंग का मतलब होता है कि बार बार खेतों में हल चलाया जाता है, जैसे कि बार प्रॉपर सनलाइट की वजह से ये जो स्लोशिया होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, ये वायबल नहीं रह जाती। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल करना, उसमें बहुत सारी वैरायटीज डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल इस केस में फ्यूजेरियम रोजियम एक माइकोपैरासाइट की तरह क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस के ऊपर यूज किया जाता है। एंड दिस फंगस इज वेरी इंटरेस्टिंगली यूज एज माइकोपैरासाइट बायोलॉजिकल कंट्रोल। और ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में ये प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन है। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज में फ्लैगेट्स मट ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।